हेलो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में देखा मैं मैसिडोनिया आई थी। ये है सूजी, अभी इसका हालत खराब है, ये रो रही है क्योंकि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। ओके बाय एलेक्स। नो इट्स 360। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ माय मदर। या या सो इट्स इमोशनल टाइम, कांट डू एनीथिंग। मैं सिडोनिया से निकल रही हूँ। सूजी का हालत ख़राब है, शी इज़ वेरी लोनली। एक्चुअली उनके लाइफ में शी इज़ अलोन, शी इज़ अ विडो, बच्चे बड़े हो गए हैं। शी फील सो लोनली, शी इज़ जस्ट क्राइंग। तो नीचे नहीं आई, यही रिलेशन बन जाता, यही बस दिक्कत है। मैं जा रही हूँ अभी बॉर्डर के पास, आगे कहाँ नहीं बताती। सो यही बुरा लगता है बस ट्रैवलिंग में, कि हम लोगों से मिलते हैं, फिर एक अटैचमेंट भी बन जाता है, लोगों से हो, पेट से हो या किसी से भी एक अटैचमेंट बन जाता है, बिकॉज हम स्ट्रेंजर्स हैं और हम एक दूसरे के साथ काफ़ी बातें शेयर करते हैं। उसके बाद जब छोड़ के जाना होता है तो एकदम बहुत हार्ट ब्रेकिंग सीन हो जाता है। तो सूजी का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको देख के बहुत बुरा लग रहा है मुझे। वो बार बार बोल रही है डोंट लीव मैसिडोनिया, आई नीड अ फ्रेंड लाइक यू। क्या करें, लोगों के पास सबका अपना अपना स्टोरी है, उसी को लेके जीना भी है, आगे भी जाना है। ऐसे मेरे साथ काफ़ी इंसिडेंट्स हुआ है। ये रहा पार्क जो कल मैं आई थी, फिलिप टू अलेक्जेंडर के फादर। सो सूजी ने मुझे दिखाया मैसिडोनिया जितना हो सके उसके तरफ से। बहुत हैपनिंग रहती है अंदर से, लेकिन आई डोंट नो क्या है अंदर से, पर ऐसे लोग काफ़ी है, पूरा पूरा वर्ल्ड में काफ़ी है ऐसे लोग। इसीलिए बस मूड ऑफ होने से, जो आपको पैशन आपका जो है उसको करना चाहिए। आप पेंटिंग करो, डांस करो, गाना गाओ, ट्रैवल करो, राइडिंग करो, बहुत खुश रहो। सो ऐसे मूव ऑन करना है और आगे बढ़ रही हूँ मैं। अभी मैसिडोनिया से निकल रही हूँ मैं बॉर्डर के लिए, मतलब ग्रीस आएगा। मुझे एक्चुअली अभी शेंगेन वीज़ा मेरा ख़त्म होने वाला है। सो मेरा प्लान ये था कि ग्रीस में मैं उसको एक्सटेंड करने के लिए ट्राई करूँगी। ये बार बार टोल गेट आ रहा है, आज मेरा बहुत अच्छे से चुना लगने वाला है। एक्चुअली मैंने मोटरवेज लिया है क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी पहुंचना है, तो इसलिए टोल गेट्स भी बहुत ज़्यादा है। हाय, हेलो, यू हैव चेंज? 1 euro 50 cents. ओह, do you have change please? Change please, I don't have coin. Card is not working, I don't know. 50 cents. I know. No. If you can check. No? Dinners. Dinner? For you. Okay. I can recite. I am a golden. It's okay. Oh, thank you so much. Nice, thank you. एक चीज देखो, रास्ते में टर्टल, ये देखो कछुआ। मुझे कभी बीच बीच में दिखा था कि कुछ काला काला घूम रहा है रास्ते में, और ऐसे जगह पे कुछ भी निकल के आ सकता है। बट इट्स नाइस, टर्टल दिख गया मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम ऑन रोड। Thank you.
सामने है बॉर्डर और एकदम बॉर्डर के पास एक राइट साइड में टाउन है, वहाँ स्टे करूँगी। अभी अंधेरा होने वाला है तो बस रात को स्टे करके अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊँगी ग्रीस के लिए। क्या सनसेट का टाइम का व्यू है, कलर देखिए कलर। तो असी कोट, दिस इज द होटल, क्यूट है, देखती हूँ अभी। She's here. She came to check my bike. Thank you so much. It's beautiful. Okay. Yeah. Thank you. And this is her car. So my bike will be outside, but it's safe. Yeah. That's the hotel. It's cute. I'll take my luggage in. Thank you. होटल में लिया 20 euros. यही सस्ता है, सबसे सस्ता। फूड वूड कुछ नहीं है क्योंकि मुझे ऐसे 6 बजे सुबह निकल के जाना है और मैं अभी डिनर लेके आई हूँ। देखेंगे, दिखाते हैं। ये रेडी टू ड्रिंक कॉफ़ी, नेस्कैफे वाला, और ये थोड़ा पीनट्स लेके आई हूँ क्योंकि मुझे सॉल्ट चाहिए। और ये ज़्यादातर मैं ये खाती हूँ, ये बहुत बड़ा मुझे मिला तो डिनर के लिए लेके आई हूँ। छोटा वाला मैं खाती हूँ जनरली, जब मैं दिन का जो मेरा लंच होता है ये छोटा वाला होता है, इसके अंदर थोड़ा क्रीम, कभी हनी, ये सब रहता है। तो ये देगा मुझे एनर्जी, शुगर, और पीनट देगा मुझे सॉल्ट, और ये कॉफ़ी। बस ये पी के मैं सो जाऊंगी खा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया। मैं बस रो रही थी एक्चुअली, क्या बोलूँ, बोलना चाहिए कि नहीं पता नहीं। वीज़ा का इश्यूज़ ऑलवेज रहेगा बिकॉज ऑफ कोर्स इतना सारा कंट्री है, इतना इजी नहीं है सारा वीज़ा लेके घूमो। पहले जैसे बताया था कि शेंजन वीज़ा का मुझे एक्सटेंशन करना है, जो एक्चुअली अलाउ नहीं करते टूरिस्ट के लिए आउटसाइड देयर कंट्री, लेकिन मेरे केस के लिए बात हो रखा था MEA से। अभी पता नहीं, एथेंस जाके पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं, या तो मुझे इंडिया वापस जाना पड़े क्योंकि पहले भी राइडर्स का ऐसा हुआ है, एक्सटेंड नहीं हुआ राइडर को, ट्रैवलर्स को वापस जाना पड़ा इंडिया। और अगर मुझे इंडिया जाना पड़ा मैं ख़त्म, तो मैं भी हो सकता है मैं यूके भाग जाऊँ यहाँ से। लेकिन यूके मेरे पास सिर्फ 13 days है, 13 days का आज 1 तारीख चला गया, 12 दिन है, 12 दिन में मैं एथेंस से यूके नहीं पहुँचने वाली। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, क्योंकि ऑलमोस्ट 7-8 countries क्रॉस करके लंदन जा सकती हूँ। लंदन में मेरा वीज़ा है, 6 months तक प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं, मेरा दिमाग बहुत हिल गया थोड़ी देर पहले, आई वॉज टोटली ब्रोकन, हर्ट एंड शेकी एंड वॉट एवर, नर्वस। अभी एथेंस जाके कल पता चलेगा क्या है, कल मेरा मूवमेंट क्या रहता है, फिर आप लोग उसके लिए ब्लेसिंग्स दीजिए, बस भगवान के ऊपर छोड़ दिया मैंने। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मैं निकल रही हूँ, ये बहुत ब्यूटीफुल सिटी है गेवजिलिजा। यहाँ पे मैं रुकी, बस रात को रुकी। सिटी बहुत क्यूट लगा मुझे, बहुत ब्यूटीफुल है। और यहाँ से एथेंस आई डोंट नो 9 hours दिखा रहे हैं, कब मैं पहुँचूँगी पता नहीं। अभी निकली हूँ, 6 o'clock हुआ है, टोल दे के जाऊँगी सोचा है मैंने, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी पहुँचना है। और जितना स्पीड में मैं चला सकती हूँ आज, बस प्रूफ करना है कितना स्पीड में चला सकती हूँ। वेलकम टू ग्रीस, ऑसम फीलिंग। ग्रीस में मेरा मोटरसाइकिल और इंडियन फ्लैग और गामोसा, कंट्री नंबर 16। हर 2 मिनट बाद एक टोल आ रहा है, पता नहीं कितना पैसा मेरा जाने वाला है। टोल ही टोल, उपाय नहीं है, मोटरवे नहीं लेने से एक्स्ट्रा और आई थिंक 3 more hours लग जाएगा। Thank you. Thank you. Por eso,
ब्यूटीफुल रोड्स, इतना टनल मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड बस टेंशन ये है मुझे जल्दी पहुंचना है। क्या होगा देखिए ना, कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल। लेकिन मुझे रुकना नहीं है, सिर्फ पेट्रोल पंप में मैं रुकी हूँ और बस खाना पीना सब छोड़ दिया मैंने, पान भी नहीं पिया मैंने आज। उपाय नहीं है, उपाय नहीं है। वेलकम टू एथेंस फ्रेंड्स, एथेंस हम लोग पहुंच गए फाइनली। लेकिन अभी हो गया है 3:40 टाइम और मुझे अभी कॉन्सुलेट ऑफिस पहुंचना है वीज़ा के लिए। क्या होगा पता नहीं, स्टे का भी कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे और बहुत एक्सपेंसिव जगह है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मेरा पता नहीं इतना महंगा है पेट्रोल होगा कभी सोचा नहीं था। टेंशन बहुत तरफ से है, पैसा की भी टेंशन है, रहने का टेंशन है, वीज़ा का टेंशन है। ग्रीक एंशियंट आर्ट, अभी ऐसे ही देखना पड़ेगा, ज़्यादा डीप नहीं दिखा पाऊँगी, आप लोग ऐसे ही देख लीजिए, बस मन में ये बोलिए कि हम लोग एथेंस में हैं। वाओ, कॉन्सुलेट का काम कर लेते हैं उसके बाद देखा जाएगा। वाओ, बसेस देखिए कितना सुंदर, कलरफुल, लेफ्ट वाला देखिए, इट्स ब्यूटीफुल। वाओ, और गांधी जी शान से खड़े हैं एथेंस में। सो मैं इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिस में आई थी और ये कॉन्सुलेट सर से भी मिली थी मैं, इन्होंने टाइम दिया, इनको अच्छा लगा मैं यहाँ आई। दुख की बात यह है कि मेरा यहाँ वीज़ा का काम हुआ नहीं, तो उन्होंने यही बोला कि आप बेस्ट है आप यूके चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे ईस्टर हॉलीडेज 4 डेज का हॉलीडेज है और मेरे पास इसीलिए अभी भाग के जाना होगा, मेरे पास टाइम नहीं है एथेंस घूमने का। एक यही थोड़ा सा है, आज का रात को मैं यहीं पर कहीं स्टे करने के लिए कोशिश करूँगी, कहीं कुछ ढूंढूंगी। इसके बाद मुझे यूके भागना है, पता नहीं मैं कैसे पहुँचूंगी। लेकिन दिन भर के लिए मैं आई थी, बिना खाना पीना खाए कुछ भी नहीं किया था, तो सर ने बोला मेरे घर चलो और खाना खाओ। और ये है पूनम मैडम जो मेरे लिए गरम गरम रोटियां बना रही है। थैंक यू सो मच। और मेरे व्यूअर्स को पता है मैं कितनी लालची हूँ खाने के मामले में। या अभी मैं खाना दिखाती हूँ, ये इसको बोलते हैं किस्मत। गरम गरम खाना, पनीर और क्या चाहिए। राइस भी है, रोटी भी है, पंजाबी स्टाइल, क्योंकि सर पंजाबी है तो इसीलिए आपको पता चल गया होगा सर क्यों लेके आए, क्योंकि पंजाबी लोग होते ही ऐसे। काफी पंजाबी के साथ रह के आई हूँ सर, सब लोगों ने ऐसे ही प्यार दिया मुझे। हाँ बस, थैंक यू सो मच। आई एंजॉय द फूड, भूखी हूँ और गरम गरम इंडियन खाना एकदम नाइस।